जय इसके पीछे साली जितना गहना पहने है सारा गहना उतार ले साली का। चंद्रमा चंद्रमा पहले माचिस ले गया इसके घर में आग लगाऊ। हाँ ले गया आग लग क्या देख रहा हूं ये तो गजब हो गया ये मेरा घर तो जल के राख हो गया। ये सब कैसे हो गया रामचंद्र मेरे पड़ोसी भाई भैया मेरे घर में आग ये कैसे क्या हो गया कैसे आग लग गई क्या हो गया भैया मैं क्या बताऊं इस घर में आग लगाने वाला भैया दूसरा कोई नहीं है। अरे कौन है भैया सुल्तान सिंह आया था और इस घर में पूरे घर में आग लगा के चला गया भैया। हाँ भैया सुल्तान सिंह ने पैसों के लिए मेरे इस घर में आग लगा दी। जी हाँ भैया। अच्छा बताओ मेरा भाई कहाँ है मेरी बहन कहाँ है मेरी पत्नी कहाँ है वो सब कहाँ है कुछ पता है? नहीं भैया। क्या भैया और बहन और भाभी के बारे में कुछ भी पता नहीं लोग कहाँ है कहाँ नहीं कुछ पता नहीं है भैया। क्या क्या वो लोग भी जलकर इसी में राख हो गए भैया कुछ पता नहीं चल रहा भैया मेरे दिल में तो बहुत क्या हो गया क्या सोच कर मैं वहां से निकला था कि अपने घर पर चल रहा हूँ सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी चारों तरफ खुशहाली खुशहाली हो जाएगी। हाँ भैया लेकिन ऊपर वाले तू भी क्या है तू मरे हुए को और क्यों मारता है सताए हुए को और क्यों सताता है? अरे जिस बहन के लिए जिस भाई के लिए जिस पत्नी के लिए मैं परदेश गया सबको छोड़कर और वहां मेरा जाना और भी बेकार हो गया और भी कम में बदल गया। रामचंद्र जी भैया ये देखो मेरा अटैच केस है। ठीक है भैया इसे संभालो और मैं चारों तरफ अपने परिवार को ढूंढने के लिए जा रहा हूँ शायद कहीं वो लोग मिल जाए। हाँ भैया अगर वो नहीं तो मैं किस काम का। ठीक है भैया मैं क्यों रहूंगा इस दुनिया में ले जाओ अगर मैं जिंदा रहा वापस आया तो फिर मुझे दे देना वरना अपने परिवार में इसका इस्तेमाल कर लेना। ठीक है भैया मैं जा रहा हूँ अपने परिवार को ढूंढने। का पता नहीं लग रहा है लोगों से पूछता हूं तो कोई बताता भी नहीं कहते मैं क्या पहचानूं तुम्हारे भाई कैसे तुम्हारी बहन कैसे तुम्हारी पत्नी कैसे हमने कभी देखा ही नहीं कहां ढूंढूं उन्हें कहां ढूंढूं। आज पूरी रात निकल गई दिन निकल गया फिर रात होने को आई है कहीं उनका पता ही नहीं लगता। ठीक है आगे कुछ देर और चलता हूं काफी थकावट भी हो गई है लेकिन आगे चलकर अभी एक दो घंटे और ढूंढता हूं अभी 10 बजने वाले हैं रात के 12 बजे कहीं थोड़ा सा विश्राम कर लूंगा एक दो घंटे इसके बाद फिर खोजूंगा। थकावट भी महसूस तो हो रही है लेकिन अपने परिवार के आगे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। ठीक है आगे चल हेलो क्या करूं कुछ समझ में नहीं आता अब तो
पैर भी गवाही नहीं दे रहा है, नींद भी काफी लग रही है, दौड़ते धूपते थकावट भी काफी हो गई। ठीक है, थोड़ी देर ही आराम करता हूं, फिर ढूंढता हूं उन्हें। हेलो हेलो, अरे सोने वाले, इतनी गफलत की नींद क्यों सो रहा है? उठ उठ उठ। अरे कौन बोला, कहां से आवाज आई? मैं कहीं ख्वाब तो नहीं देख रहा था, कौन बोला? अरे सोने वाले उठ, इतनी गफलत की नींद क्यों सो रहा है? कौन बोला? अरे भाई कोई इंसान हो तो सामने आओ, कि मैं स्वप्न तो नहीं देख रहा था, कोई दिखाई भी नहीं दे रहा है, कौन बोला, कहां से आवाज आई? सुन मेरी बात, बोला कोई? मैं आने वाला समय बोल रहा हूं। क्या इस तरह बिलखने से तड़पने से कोई बात चलने वाला नहीं है। सुन मेरी बात, यहां से जाएगा कुछ दूर पहाड़ी के पीछे एक कारतूस भरा बेल्ट और एक राइफल मिलेगी। उठा ले कारतूस भरे बेल्ट और राइफल को, मिटा दे इस बेदर्द जमाने को जिसने तेरे साथ अन्याय किया है, दुराचार किया है। लेकिन हाँ, एक बात याद रखना, आज के बाद से मर गया अर्जुन, मर गया अर्जुन, और पैदा हो गया डाकू बदन सिंह, डाकू बदन सिंह, डाकू बदन सिंह। ठीक है, ठीक है, अगर ऐसी बात है, वो पहाड़ी दिखाई दे रहा है, मैं चलता हूं पहाड़ी के पास, उसके पीछे चलकर देखता हूं, अगर वो कारतूस भरा बेल्ट और राइफल मुझे मिल गई तो मैं आवाज समझूंगा कि मेरी मंजिल ने मुझे पुकारा है, और उसके बताए हुए नक्शे कदम पर मैं चल पड़ूंगा, शायद यही मेरी मंजिल होगी। और आगे चलकर फिर बतलाता हूं, अगर वो कारतूस भरा बेल्ट और राइफल मुझे मिल गई तो मुझे क्या करना है, मेरी मंजिल क्या है, समय के हिसाब से मैं बतलाता हूं। लेकिन पहले कारतूस भरा बेल्ट और राइफल मिले तो मुझे। ये पहाड़ी है, पहाड़ी है, और पहाड़ी के पीछे मुझे चलना है। कारतूस भरा बेल्ट, ए रही राइफल, इसका मतलब है कि मेरी मंजिल ने मुझे आवाज दी है, मेरी मंजिल ने मुझे पुकारा है, और अगर ऐसी बात है तो वास्तव में मर गया श्री अर्जुन सिंह, अर्जुन सिंह मर गया और डाकू हो गया डाकू पदम सिंह, डाकू डाकू पदम सिंह। ठीक है, अरे कमीने चौधरी यशवंत सिंह और सुल्तान सिंह, अगर तेरे ईंट से ईंट ना बजा दिया, तुझे नस्ता नाबूद ना कर दिया, तो मेरा भी नाम डाकू पदम सिंह नहीं। चलता हूं इसी के सहारे, अपनी एक गैंग बनाता हूं और उन कुत्तों कमीनों को दुनिया से मिटाता हूं, जिसने मेरे घर परिवार को इस तरह से मुझे बिखेर दिया, जिसने मेरे घर में आग लगा दी, मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। अरे कुत्ता, मैं भी तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ूंगा। और सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है और देखना है आशीष सौर कितना, और देखना है आशीष सौर कितना बाजू ये का।
कुर्सी के सहारे, और देखना है रामचंद्र कहाँ मर गया रे? क्या बाबू जय शंकर, जय शंकर, जय शंकर, कोयल जैसी बोली बोल रहा है। ना है बाबू, समय बदल के पाया, अब हम नौकरी फौकरी छोड़ दे। कहाँ जाना चाहता है बाबू? हम जाप घरे हज करने जाएगा, गया बनारस गएगा, अपने घरे जाप। आ भाई फोन आ रहा है, आज हमारे मेहरारू डिलीवरी ब्याह। अभी तुझे छुट्टी नहीं मिलेगी बाबू। चौधरी साहब, जय शंकर, जय शंकर, जय शंकर। हमारे लिए कोई सेवा है? हाँ, तुम्हारे लिए एक सेवा और है। अरे कौन सी सेवा है यो? वो सेवा रामचंद्र, जो हमारी बेटी है ना चांदनी, अब उसे रास्ते से साफ करना है। सुल्तान सिंह, तो हमें क्या करना होगा? तुम्हें यही करना है कि तुम ये गंगा कुंभ का मेला चल रहा है ना? हाँ तो चल रहा है, तो उसी गंगा स्नान करने में ले जाओ उसे अपने साथ। और जो नदी का पुल है, जैसे पुल पर पहुंचना तुम दोनों, उसके बाद किसी ना किसी बहाने उसे धक्का दे देना। उसे धक्का दे दोगे तो नदी में गिर कर मर जाएगी, रास्ते का आटा पूरा साफ हो जाएगा। लेकिन चौधरी साहब, बोलो। अभी आज तक मैं आपके बेटे का फेस यानी चेहरा नहीं दिखाऊंगा। ठीक है, कोई बात नहीं है राजचंद्र, बहुत जल्द उसे बुला के लिया जाओ। चांदनी कहिए पिताजी, आज मैं तुम्हारे ऊपर बहुत खुश हूँ। क्या? आज मेरा दिल ऐसा ही कह रहा है कि अपनी बेटी है, इसे क्यों दूर रखते हो? आज अपने चेहरे से ये पर्दा हटा दो, आज से ये पर्दा तुम्हारे चेहरे पर नहीं रहेगा। क्या पिताजी, आप सच कह रहे? हाँ मैं सच कह रहा हूँ। ये जो पर्दा है, मैं अपने पिताजी के सामने पर्दे में नहीं रह सकती। नहीं, ये पर्दा हटा दो आज से। ठीक है पिताजी। क्या है? बोल। खुश रहो, खुश रहो बेटी, खुश रहो। वाह, कितनी खूबसूरत मेरी बेटी है। मैं भी नादान था जो कि सारी बातें मैं समझ नहीं पाया। खैर कोई बात नहीं है बेटी चांदनी, मेरी बात जरा गौर से सुनो। देखो, मरते समय तुम्हारी माँ ने मुझसे कुछ वादा करके गई थी। कैसा वादा पिताजी? उसने वादा यही किया था कि अगर हमारी कोख से लड़का पैदा होता है तो उसे पढ़ा लिखा कर सियाना कर देना, और ये जो राजपाट है उसे दे देना। लेकिन भगवान की मर्जी से ऐसा नहीं हुआ, बेटी पैदा हुई, कोई बात नहीं है। और उसने कहा, उसने यही कहा था कि अगर बेटी पैदा होती है तो उसे पढ़ा लिखा कर सयानी कर देना, कोई अच्छा सा घर ढूंढ करके उसकी शादी कर देना, लेकिन उसे पहले गंगा स्नान करवा देना। बेटी, ये कुंभ का मेला चल रहा है, इसी मेले में जाओ, स्नान करके आओ सुल्तान सिंह के साथ, उसके बाद गंगा स्नान करके आओगी, उसके बाद अच्छा सा घर पर ढूंढ करके तुम्हारी शादी कर दूंगा, तुम अपने घर जा करके अच्छी तरह अपनी जिंदगी व्यतीत करोगे। ठीक है पिताजी। सुल्तान सिंह, अरे सुल्तान सिंह, सुल्तान सिंह, चाचा जी नमस्ते, कैसे हैं आप? ठीक है ना? मैं तो ठीक हूँ, लेकिन चौधरी साहब बोलो। एकदम
टू कॉपी क्या टू कॉपी मतलब क्या? जैसे आपकी धर्म पत्नी थी ना, अच्छा आपकी बेटी भी एकदम टू कॉपी सी, वही मैं देख रहा हूँ एकदम टू कॉपी। सुल्तान सिंह देखो, बेटी का चेहरा माँ पे आता है और बेटे का चेहरा बाप पर आता है, इसमें कोई